हेलो फ्रेंड्स, तो आम आज पढ़ा परमुटेसन। तो परमुटेसन आउ कॉम्बिनेशन यही जो दुटा चैप्टर अच्छे आम कौन करूँ ना गणवा को ट्राए करूँ जे कि जिनस केते प्रकार रे आरेंज हो पार सिलेक्शन हो पार। तो परमुटेसन रे आरेंजमेंट काउंट करा जाए आउ कॉम्बिनेशन रे सिलेक्शन। तो परमुटेसन रे कौन कौन आसो ना नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट अरेंजमेंट केते प्रकार रे हे परे कौन से किछ किछ ऑब्जेक्ट बा किछ ऑब्जेक्ट को हमें केते प्रकार सजेई परिबा से परमुटेशन रे गणा जाए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट केते वे से अरेंज करि परिबा। तो हमें एग्जांपल नबा क्लियरली बुझिया पई कौन अरेंजमेंट रो मीनिंग ता कौन। तो जदि आम पाखे तीन टा बही अच्छे धर गोटे बही है ए गोटे बी आ गोटे सी तीन टा बही अच्छे जदि आम तीन टा बही को तीन टा प्लेस रे अरेंज करूचु। तो जदि ए तीन टा बही आमर एठी रहंती अलग अलग साइड साइड ही रहिले तो केते प्रकार रे अलग अलग प्रकार रे बही को रखी पारियो। माने आम ये ए बही रखिले एटी बी रखिले एटी सी रखिले तो ये है गोटे अरेंजमेंट। एटी बही केमती अच्छी ना प्रथम ए तापर बी तापर सी। तो आ गोटे अलग अरेंजमेंट केतबेळे हबो जेतबेळे आंकर पोजिशन चेंज हो जीवो सिक्वेन्स चेंज हो जीवो अर्डर चेंज हो जीवो आ गोटे अलग अर्डर रहिबो। माने जेमती कि ए प्रथम प्लेस रे थाउ सी मझी रखिया बी लास्ट रखिया ये आ गोटे अरेंजमेंट। तो एठी आउ ए देखिबे अरेंजमेंट भितर आमे क्लियरली देखि पारु छ सब अलग ये ए बी सी ये ए सी सेमिति आमे ट्राइ करियो आउ अलग अलग प्रकार रो अरेंजमेंट भी हेई पारिबो। जेमति प्रथम ते आमे बी रखिबा तापर ए रखिबा तापर सी रखिबा तो ये आउट अरेंजमेंट टिके सिक्वेंस अलग अछि सेही बही अछि किंतु अलग अलग अरेंजमेंट हेई के अछि। तो सेमिति बी रहिला एठी सी रहिला एठी ए रहिला ये आउट अरेंजमेंट ये बी पर ए पर सी ये बी पर सी पर ए से देखियो आउ दुई प्रकार हो पार सी ए बी हो पार कि सी बी ए हो पार। तो टोटल जदि गणवा एक दुई तीन चार पाँच छ टोटल छ प्रकार अरेंजमेंट हो पार। तो तीन टा बही को आम तीन टा प्लेस रखिले एटी रखिले एटी रखिले रखिले तो अरेंजमेंट केतटा है छ प्रकार। सेमती जदि यही तीन टा बही रु केवल आम दीटा बही रखा दुईटा बही रहा के प्रकार अरेंजमेंट हो पार ना आम से लिखिक देखा कौन कौन हो पार ना फास्ट प्लेस ए रखुचे सेकेंड प्लेस बी बही रखिले ये गोटे प्रकार अरेंजमेंट कि ए पर सी रखिपार ये आउट अरेंजमेंट कि बी ए रही पार बी सी सी ए आउ सी बी भी रही पार। तो ये आम देख ये आम से छ प्रकार अरेंजमेंट है। तो यही सब कौन मेनुआली सब लिखला जापारे छ प्रकार अरेंजमेंट हम बोली किंतु न लिखिकी कि आम कहीपर कि छ केत प्रकार अरेंजमेंट हम हाँ सहीटा है परमुटेसन। परमुटेसन रिच्छी कनसेप्ट आम एम सब न लिखिकी गोटे एक्जाक्टली किसी नंबर कहीपर जो केते प्रकार अरेंजमेंट हो पार छ प्रकार हो पार ना बार प्रकार हो पार ना 24 वेज हो पार कि 100 वेज हो पार कि 1000 वेज हो पार कमी ना बहुत सिंपल कथा। देख आम जितेबले तीन टा प्लेस बही रखा जाऊे तो तीन टा प्लेस रखा बही तीन टा बही रखा तो प्रथम जो बही रखापी जा फास्ट प्लेस बही रही ए कि बी कि सी तुम ये ए रखिपार कि बी रखिपार कि सी रखिपार तम यही प्लेसटा के प्रकार फिलअप कर बही रखापी के प्रकार अप्सन अच्छी ना तीन प्रकार अच्छी ना ए रहीपर कि बी कि सी तीन प्रकार रही पार। अच्छा तीन प्रकार बही रही पार कि एट ए टाइम तो आम गोटे ही बही रखुचु ना जो बही सजापे जाऊे आम ए रखुचे कि बी रखुचे कि सी रखुचे ता माने एटा में तीन प्रकार फिलअप कले कि गोटे बही तुम रखी नेल ये तो यही प्लेस तुम गोटे बही रखी सारापर ये बही रखापी जाऊ तुम हाथ में आतटा बही रोच ना दुईटा कहीं फास्ट प्लेस तुम गोटे बही रखी सारी तमें सेकेंड प्लेस को आमको फिलअप करने आम पाखे केतटा अप्सन अच्छी ना दुईटा अप्सन अच्छी आउ बही रखे ना गोटे बही ये रही सारी ए बहीटा रही सारी तुम ये बी कि रखिपर कि सी रखिपर ताने दुई प्रकार फिलअप कर पार। अच्छा ये दुई प्रकार फिलअप तो हो पार कि गोटे ही रखिल बी रखिल कि सी रखिल गोटे बही रहीगला
ତାମାନେ ଏଠିକୁ ଯିବ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହିଁ ବହି ବଳିଥିବ, ତାମାନେ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବହି ରଖିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ କେତେ ନା ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ୱେଜ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇପାରେ ନା ୱାନ୍ ୱେଜ୍ରେ, ତେବେ ଏଇଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା ଆନ୍ସର। ତାମାନେ ଆମେ ସବୁ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରତି ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମେ ସେତିକି ଲେଖିଦେବା ନମ୍ବରଟେ ଯେତିକିଟା ଅପସନ୍ ସେଇ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ। ବାସ୍ ସିମିଲାର୍ଲି ଯଦି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ବି ଯିବା ଯେ ତିନିଟା ବହି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବୁ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେସ୍ରେ, ତ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ତିନିଟା ବହି ଭିତରୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା। ସିମିଲାର ୱେରେ ଆମେ କହିବା ଏଇ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା, ଏଇ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା, ଏଠି ବହି ରଖିଲା ବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କେତେଟା ଅପସନ୍, ଏଠି ବହି ରଖିଲା ପରେ ଆମର କେତେଟା ଅପସନ୍, ଏଠି ବହି ରଖୁଛେ ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଏ ରଖିପାରିବା କିମ୍ବା ବି କିମ୍ବା ସି, ତ ତିନି ପ୍ରକାର। ଆଉ ଏଠି ବହି ରଖିଲା ବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ କମିଯିବ, ଏଠି ଯେଉଁ ବହି ରହିଯିବ ଏ ରହିଗଲା ଯଦି ଏଠି, ତ ଆମେ ବି କିମ୍ବା ସି ରଖିପାରୁଛୁ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ତ ଛ ତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ତମେ ଆନ୍ସର୍ କାଢ଼ିପାରିବ ପରମୁଟେସନ୍ରେ। ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସହଜ ରାସ୍ତା ହେଲା ଗାର ଟାଣିକି କରିବା। କେତେଟା ଗାର ଟାଣିବା ନା ଯେତେଟା ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବ। ତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ କଥା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଟୋଟାଲ ମନେକର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରୁ 6ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, କୁହାଗଲା ସବୁ ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଅଲ୍। ତ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତାହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ। ତା'ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ 6ଟା ପୁଅ ଛିଡ଼ା ହେବେ 6ଟା ପ୍ଲେସ୍ରେ। ତ ପ୍ରତି ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେସ୍ଟା କେତେ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇପାରିବ, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ଟା କେତେ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇପାରିବ, ଯେତେଟା ଅପସନ୍ ଥିବ ପ୍ରତି ପ୍ଲେସ୍ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, କେତେଟା ଅପସନ୍ ରହିବ ନା 6ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୁଅ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରେ, ସେକେଣ୍ଡ ପୁଅ ମାନେ ଆକାଶ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରେ, ବିକାଶ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରେ, ସୁରଜ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରେ, ଅମିତ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରେ, ଏମିତି ଭାବିବା। ତ 6 ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ରହିବ ଏଇଠି, 6 ଲେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ପିଲା ଏଠି ଗୋଟିଏ ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ତ ସେଇଠି ଆମର କ'ଣ ରହିବ ନା ଗୋଟେ ପିଲା କମିଯିବ, କାରଣ ଏଠି ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ କମିଗଲା। ତା'ମାନେ ଏଇଠି କେତେଟା ଅପସନ୍ ରହିଲା ପିଲାଙ୍କର, 5ଟା ପିଲାର ଅପସନ୍ ରହିଲା, ଯେଉଁଟା 5 ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏଇ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି 2ଟା ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇସାରିଲେଣି, ତ ଆମ ପାଖରେ 6ଟାରୁ ଆଉ 2ଟା ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ 4ଟା ପୁଅର ଅପସନ୍ ରହିବ, ତ ଆମେ ଏଇଟା 4 ପ୍ରକାରରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବା। ତା'ପରେ 3 ପ୍ରକାର, ତା'ପରେ 2 ପ୍ରକାର, ତା'ପରେ 1 ପ୍ରକାର, ତ ଇଏ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 720। ତ 720 ପ୍ରକାରରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା, ତ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କାଢ଼ିପାରିଲେ, ସବୁଯାକ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲେ, ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଦେଖ ଯେତିକିଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଥାଏ 6ଟା ସେଇଠୁ 1 ଯାଏଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଯେ 6ରୁ 1 ଯାଏଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ସିମ୍ବଲିକରେ 6 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ, ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ସିମ୍ବଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲଟା ଅଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ, ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧର କହିବା ପାଇଁ 6 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ, ଗୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମେ ସେମିତି ହିଁ ଗୁଣିଆ ଲେଖିକି ଆଉ, ତ 5 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ମାନେ ହେଲା 5×4×3×2×1 ମାନେ 120 ଏମିତି। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ତ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତାକୁ ବେଶୀ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନକୁ ଯିବା, ଯଦି ମନେକର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଆନ୍ତା 2 ନମ୍ବର ଯେ ସବୁ ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେବେ, 6ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କୁହାଗଲା ନାହିଁ ତମେ 4 ଜଣ, 4ଜଣ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେବେ ବାକି ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ରହିବେ, ତ ଯଦି 4ଜଣଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରା ହୁଏ ତାହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେକୌଣସି 4ଟା ପିଲାକୁ ଏଠି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା କରିବା, ଯଦି କେତେ ପ୍ରକାରର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ, ଆମେ ସେଇ କାମ କରିବା। ଆମ କାମ ହେଲା ପ୍ରତି ପ୍ଲେସ୍ରେ କେତେଟା ଅପସନ୍ ରହୁଛି ସେଇ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ନମ୍ବରଟା ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେବ କେତେ ପ୍ରକାର ନା 6ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ 6 ପ୍ରକାର। ଏଠିକୁ ଯିବା ଏଇ ପ୍ଲେସ୍କୁ, ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେବ ସେଠି ଆମର 5ଟା ଅପସନ୍ ରହିବ, 5 ପ୍ରକାର, ତା'ପରେ 4 ପ୍ରକାର, ତା'ପରେ 3 ପ୍ରକାର, ତ 6×5=30, 120, 60। ତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 360। ତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ କଥା, ପ୍ରତି ପ୍ଲେସ୍ରେ କେତେଟି ଅବଜେକ୍ଟ ରହିବାର ଅପସନ୍ ରହୁଛି ସେତିକି ହିଁ ଲେଖିବା ଆଉ ଗୁଣିଦେବା, ଏଠି କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଆସୁନି, ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ମୁଲାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ତ ଫର୍ମୁଲା ବି ମୁଁ କହିବି। ଆଚ୍ଛା ତ ତମେ ଆନ୍ସର୍ ନୋଟ୍ କରିନିଅ, ଇଏ 720 ହେଲା, ଇଏ 360 ହେଲା। ଯଦି 3ଟା ବି ବହି ଛିଡ଼ା ହେବେ ତାହେଲେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ 6 ପ୍ରକାର, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ରେ 5 ପ୍ରକାର, ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ 4 ପ୍ରକାର, 120 ଆନ୍ସର୍, ସିମ୍ପଲ।
तो केतेटा प्लेस आरेंज हम से 12 टा आनबो और प्रति प्लेस रे तुम ऑप्शन लिखिबो जे सेही प्लेस पे केतेटा ऑब्जेक्ट अछि क्लियर तो एबे मु टिके फार्मूला कहि दउ छी एटा तमे बिना फार्मूला रे कहउ छे बहुत बिना फार्मूला ही बेटर एक्चुअली बट फार्मूला जानिथिले भी भलो कथा तो फाउंडेशन रो फार्मूला टा कोन मु सब उठा उठा डिस्कस करि देबै एठी फार्मूला हला एन पी आर तो एठी फार्मूला तुम डायरेक्ट लिखि दउ छी एठी एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल अच्छा एठी एन कोन आ आर कोन डिफरेंस अछि एन हला टोटल ऑब्जेक्ट टोटल केतेटा ऑब्जेक्ट अछि सेला एन आर कौन ना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी अरेंज्ड तमे केतेटा ऑब्जेक्ट को अरेंज करबा को चाहू जो तो एन हला केतरा टोटल अछि और सेतिकी भितरु हम केतरा अरेंज करबा आर माने केतरा अरेंज करबा अच्छा जदी हम ए फार्मूला तो एट लिख दे छी एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन एस तो फार्मूला टम बुझै परथन बट टाइम्स कम अछि मु फार्मूला टम बुझौ नि अच्छा यदि ये नोट करनी हो इटा के नंबर टिक के स्लाइड लिखे दो छी एन दा बुझले टोटल ऑब्जेक्ट ए आर ताला केतरा अरेंज हो अच्छा मो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन थिला 6टा फ्लोर थिले प्रथम क्वेश्चन थिला समस्ते अरेंज हेबे कोन तो फार्मूला हिसाब केमिति करियो ना दिरे से काटिया पडियो फार्मूला हिसाब रेले एन काटिया पडियो आ आर एन केते आर केते एन माने कोन ना टोटल ऑब्जेक्ट केतरा अछि ना 6टा पोछन माने 6टा ऑब्जेक्ट अछि तो 6 आर माने कोन आर माने हला केतेटा अरेंज हेबे ना क्वेश्चन कहै छै समस्त अरेंज हेबे माने 6 जन जक अरेंज हेबे तले आर भी 6 तले फार्मूला कोन हबो ना एन पी आर माने 6 पी आर माने 6 6टा पोरु 6 जन जक अरेंज हेबे 6 पी 6 तो फार्मूला कोन पडला 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर मान सिक्स माइनस सिक्स फैक्टोरियल तो ये जब देखा सिक्स फैक्टोरियल बाय जीरो फैक्टोरियल आसला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जीरो फैक्टोरियल जो था से हला वन ये सब आयोजन कराई जीरो फैक्टोरियल भी वन हम आन फैक्टोरियल भी वन हम तो मैंने ये आंसर उपर 720 आसला तले तो किसी ना आंसर से तो फर्मूला भी सही भाई किंतु गोटे कथा मन रखि थाओ जे सबु ऑब्जेक्ट जदि अरेंज हो थाए ताले सबु बेले सेति की फैक्टोरियल हबो माने बे 5टा पुओ जदि थांते आ समस्त छिडा हे थांते ताले आंसर केते हबो ना 5 फैक्टोरियल माने 120 समस्त अरेंज हेले जति की ऑब्जेक्ट सेति की फैक्टोरियल 4टा पुओ बेंच रे बसछंती 4टा पुओ बेंच रे बसछंती केते प्रकार से माने बसी परबे ओडे लाइन रे ना 4 जन समस्त बसिबे त 4 फैक्टोरियल 24 कहि दे सिंपल आंसर बुझलो अच्छा ना सेकंड क्वेश्चन को जीवा कोन सेकंड क्वेश्चन कोन थिला ना समस्त बसिबे नि ए 6 जन भीतर केतना बसा थिला ना 4टा पोय ही बसी बोले क्वेश्चन थिला ना जो सॉल्व ऑलरेडी कर सारी छे 4टा पो जो बसछन ताहले एन आउ आर आमे एठी पुनी काढी होव पड़ी एन केते ना टोटल ऑब्जेक्ट केते ना 6 जन अछन पो 6 ये 6 रु के जण बसिबे ना आर ला से आर ला 4 4 जण बसिबे ना 4 जण अरेंज हेबे 4 जण अरेंज हेबे तो फार्मूला हिसाब रे 6 जण भीतर 4 जण अरेंज हेबे तो आंसर ला 6p4 ना 6 जण को भीतर परमुटेशन ऑफ 4 जण तो 6 रु 4 अरेंज हेबे तो फार्मूला हिसाब रे n फैक्टोरियल माने 6 फैक्टोरियल तोड़े रहइबो n माइनस r माने 6 माइनस 4 फैक्टोरियल तोड़े आसी गला 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माने 360 720 टा इदा बाय 2 2 फैक्टोरियल टू तो ये ला फार्मूला फार्मूला हिसाब रे मु तो मु देखै देली जे एतिकिरु एतिक अरेंज हेबे एतिकिरु एतिक अरेंज हेबे ओ सिंपल कथा तो ये ला फार्मूला कथा आउ आते आपु डिस्कस करियौ नि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़े केमती क्वेश्चंस रहै तो हमें पॉज करी करियौ मुजरे मुजरे यदि वॉइस टिके कम रहुचे टिके फुल वॉल्यूम दियो फुल स्क्रीन करिवो तो आईजीटीवी रे उठे से मझिरे थाए तळे चिन्हटा से तापर क्लिक करले से फुल स्क्रीन पळे आसीबो